गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशु नायक, मैथ्स फैकल्टी, प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर पटना। बात करने आए हैं आज फिर से एक नया सेशन, जो कि आप लोग कर रहे हैं। कितना लोग सेशन वन, सेशन वन, सेशन टू, सेशन थ्री सब कर चुके हैं। ये सेशन फोर, फिर वही 20 टेस्ट सीरीज, 20 डे मंडे टू फ्राइडे, 20 क्वेश्चन। और जो किए हैं इसकी गुणवत्ता मैं बता दूं, इसका क्या आपके आपके लिए क्या बेनिफिट्स हैं इस कोर्स से। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज में मैंने सेशन वन से जब से ये शुरू किया है, सेशन वन से हमने ये हमेशा कोशिश किया जो आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन आपका सिलेबस वाइज और 10 क्वेश्चन मिसलेनियस, वो भी अच्छा क्वेश्चन सब जो लोग किए हैं ये सभी, वो लोग जरूर देखे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल किस हद तक रहता है। हर एक एग्जाम के लेवल को टच करता है, जितना भी जनरल कंपटीशन में एग्जाम आता है सभी एग्जाम के लेवल को टच कराते हुए मैं क्वेश्चन उसमें सेट किया और आप लोगों के लिए अधिक से अधिक फायदा में पहुंचाया हूं। तो ये फिर से वही सेशन फोर है और इसमें भी मैं वही आप लोगों के लिए पूरा जबरदस्त क्वेश्चन सब लाने वाला हूं। लेकिन एक इसमें चेंजिंग मैं करना चाहता हूं इस बार, क्योंकि ये तीनों सेशन में सिलेबस वाइज लगभग सभी चैप्टर का अर्थमेटिक सबका सब हो गया, एडवांस का ढेर सारा क्वेश्चन सब हो गया। तो जैसे टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, बोट एंड स्ट्रीम हो, पाइप एंड सिस्टर्न हो, एवरेज हो, एज प्रॉब्लम हो, रेशियो हो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI, CI, डिस्काउंट, जो भी ये सब चैप्टर है, नंबर सिस्टम, सभी का क्वेश्चन मैं जो भी अच्छा क्वेश्चन दिखा एग्जाम में पूछा हुआ और कुछ नया क्वेश्चन सब मैंने आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया इस तीन सेशन में। तो चौथा सेशन में अब क्या करें, सभी में तो सिलेबस वाइज लगभग समाप्त हो चुका है। तो इसमें मैंने ये सोचा हूं आप लोगों के लिए जो ये जो 20 आपको टेस्ट सीरीज होगा इसमें मैं मिसलेनियस क्वेश्चन डालूंगा। 20 400 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन मिसलेनियस डालूंगा, इसमें सिलेबस वाइज नहीं रहेगा क्योंकि सिलेबस वाइज बहुत क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों के लिए बस ये 400 क्वेश्चन मिसलेनियस लाने वाला हूं, सब मजेदार क्वेश्चन रहेगा। वो तो आप लोग टेस्ट सीरीज करते हैं, डिस्कशन करते हैं तो जरूर देख रहे होंगे। और एक और चीज, हम जो अनुभव किए हैं, जो भी लोग थोड़ा सा अपना स्टडी किए हुए हैं मैथ्स के क्षेत्र में, वो अगर इन तीनों सेशन को किया होगा तो हम ये गारंटी जरूर उनको देंगे जो मैथ्स के क्षेत्र में कोई भी एग्जाम में बैठेगा, अगर उतना का कंसेप्ट और उसका प्रैक्टिस उसके पास हो गया अच्छे से तो किसी भी एग्जाम में वो अपना दमखम दिखाएगा, गारंटी है इसका। और आगे इसका फायदा उठाने के लिए इसमें आप लोग जरूर जुड़ जाइए। फिर से 400 क्वेश्चन फी समझ रहे हैं, फी नाम मात्र, मात्र 50 रुपया, मात्र 50 रुपया में 400 क्वेश्चन विथ डिस्कशन। आप समझ सकते हैं 50 रुपया में क्या हो सकता है, और कुछ नहीं होने वाला 50 रुपया में, लेकिन कोर्स के माध्यम से 50 रुपया में लाखों का काम आप कर सकते हैं। तो इसलिए यहां से मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, कॉम्बो पैक हो, जीके जीएस का हो, सब कुछ का आपका ये टेस्ट सीरीज चलता है। बहुत सारे विद्यार्थी ये कर भी रहे हैं और ये आपको मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो मैं मैथ्स का आपको बता रहा हूं। और ये कोर्स आपका 2 नवंबर से ये चालू होने वाला है। लेकिन एक चीज और, मैथ्स का जो सेशन थ्री है उसमें 4-5 सेट अभी बचा हुआ है, जो कि कल परसों यानी सैटरडे संडे ये सब में चलेगा। और आपका 2 तारीख को ही सेशन फोर आपका शुरू होगा, लेकिन मैथ्स का जो सेशन होगा वो आपको बृहस्पतिवार से चलेगा, 3 दिन बाद, सोम मंगल बुध छोड़ के बृहस्पतिवार से आपका ये मैथ्स का सेशन चलेगा टेस्ट सीरीज। बुधवार तक में सेशन थ्री पूर्णतः इंड हो जाएगा, जिसमें कि अभी सिलेबस वाइज क्वेश्चन सब धमाकेदार क्वेश्चन सब चल रहा है। तो आप लोग इसमें एकदम बेखौफ होकर के जुड़िए और एक मैथ्स का जो खजाना होता है जिसमें कि आपको एक से एक लॉजिक मिलेगा, ओनली लॉजिक। जो लोग नहीं पढ़े हैं कभी, जो लोग को कुछ बेसिक में दिक्कत है तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता, लेकिन जो लोग कहीं भी पढ़ चुके हैं उनके लिए आई थिंक ये रामबाण साबित होगा। और ये आप कोशिश करिएगा
जी, ये तीनों सेशन जो बीत चुका है उसका भी क्वेश्चन किसी न किसी तरीका से आप उपलब्ध करा ले, उसको प्रैक्टिस करें। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे प्लेटफॉर्म का हो, नायक मैथ्स पावर का हो, उसमें हर एक का सॉल्यूशन तक भी हम डाल चुके हैं। जो जो नहीं भी एडमिशन लिए थे वो भी बहुत सारे स्टूडेंट ने फायदा उठाया। इस बीच में दोस्तों छुट्टी का समय था, इसमें एक चीज तो अनुभव करने को मिला, जो घर पर थे स्टूडेंट सब छुट्टी में भी इतना कॉल किया, सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, ये क्वेश्चन बता दीजिए, ये कर दीजिए, सर इसमें थोड़ा शॉर्ट से कैसे बनेगा, हम लोग लॉन्ग से बनाए हैं। तो ये सब जो माइंड में आ रहा है ना स्टूडेंट का, ये देख करके दिल से हैप्पी हुआ। मैं नहीं बता सका क्वेश्चन घर पर से, बहुतों को बाहर क्योंकि जाना पड़ता था, क्योंकि घर में नेटवर्क कम रहती है उधर, तो बाहर जाकर के कुछ को मैंने बताया भेज भेज के, लेकिन कुछ को नहीं भेज सका, तो उसके लिए चलिए दुख है। लेकिन हम कोशिश में इतना जरूर रहते हैं स्टूडेंट की हर मांग को पूरा कर दें और क्वेश्चन का धमाकेदार उसको सॉल्यूशन भी डाल दें। तो चलिए सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा, आप लोग जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना जबरदस्त होगा। और जो स्टूडेंट शुरू से जुड़े हुए हैं उससे यही रिक्वेस्ट करेंगे, जो हर एक सेशन के क्वेश्चन को आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन में जब भी लगता आपको इसमें कुछ दम है उस क्वेश्चन को 10 से 15 बार कंटिन्यू बनाइए। इसमें आपका धारा प्रवाह होना चाहिए, कंसेप्ट एकदम सवाल देखे कलम चलना शुरू, तब हुआ आपको मैथ्स का कुछ नॉलेज आया है। आप बना रहे हैं सवाल भर दिन में 10 को 20 को 15 को बना रहे हैं या बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं, इससे अच्छा है वो गलती हो जाए। जो सवाल 3 मिनट 4 मिनट आप लगाते हैं फिर भी सही आंसर नहीं आया, इससे तो अच्छा है ना जो सवाल ही गलती हो जाए और जल्दी बन जाए। तो मेरा एक ही टेक्निक रहता है विद्यार्थी के लिए, जो सवाल बने तो जल्दी बने। अब मान लीजिए कोई सवाल आप 2 सेकंड में बना दिया, 3 सेकंड में बना दिया, 5 सेकंड में, 20 सेकंड में बना दिया, और मान लीजिए वो गलती हो गया, चलिए क्वेश्चन गलती हुआ मानते हैं, अगर आप क्वेश्चन को 2 मिनट 3 मिनट तक टाइम दिए तब गलती हो गया तो ये समझिए आप एग्जाम से फेल हो चुके हैं। तो मेरा यही कोशिश रहता है आप क्वेश्चन बनाइए स्पीड में, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन हो सकता है मिस हो जाए, कोई बात नहीं आप, लेकिन आपकी गति जो है ना, अगर 30 क्वेश्चन है एग्जाम में तो आप 27-28 तक चले जाइएगा, 2 गलती हो गया नो वरी, लेकिन आप चाहिएगा ना हमको सही हो तो ये 30 क्वेश्चन बनाने में आप जो है ना 1 घंटा ले लोगे और कुछ नहीं होने वाला। तो बस एक कोशिश, मैथ्स फास्ट बनना चाहिए, यही मेरा आंसू नायक का यही छोड़ा होता है, आपको हमेशा यही फोर्स करते स्टूडेंट को मैथ्स बने तो जल्दी बने अन्यथा न बने। तो चलिए यही कहने के लिए आप लोगों से ये सेशन थ्रू 2 नवंबर से शुरू हो रहा है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इसमें आपको मिसलेनियस क्वेश्चन देखने को मिलेगा और सब अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, सीजीएल लेवल सबका, मेंस लेवल सबका, कुछ रेलवे में भी अच्छा क्वेश्चन सब जो पूछा है वो भी सब देखने को आपको मिलेगा। तो प्लीज आप लोगों का बस इतना ही सपोर्ट है, जो पढ़ाने में मन लगता है, जो सपोर्ट आप लोग का ये देखने को मिला और आप लोगों की मेहनत देखने को मिला है, इससे बड़ी आनंद आता है पढ़ाने में भी और जो विद्यार्थी मेहनत करते हैं उसको पढ़ाने में भी, और जो मेहनत करके आ रहे हैं बढ़िया से वो समझ रहे होंगे जिससे कितना बेनिफिट उनको हो रहा है। तो बस इसी तरह चलते रहिए एग्जाम तक, एग्जाम में एकदम आपको अगर किला गाड़ना है तो मेहनत करते रहिए, मैथ्स का, रीजनिंग का, जिसका परसेंटेज जिस अनुसार है एग्जाम में उसको ज्यादा फोकस करिए, जहां आपको दिक्कत होता है उसको 5 बार 10 बार 15 बार बनाइए। ये चीज मैं 2 बार 3 बार कह चुका हूं, इसका मतलब इसका इंपॉर्टेंस आप समझ चुके होंगे। कुछ लोग, एक विद्यार्थी पिछले बार बोला था सर एक ही चीज 3 बार बोल दिए, हम बोले रे बदमाश 3 बार में समझेगा तो 3 बार क्या हम 5 बार बोलेंगे, कोई बात नहीं 10 बार बोलेंगे, माइंड में सेट होना चाहिए क्या कहना चाह रहे हैं बस, है ना। तो चलिए मिलते हैं 2 नवंबर से, सभी चीज शुरू हो जाएगा, मैं मिलूंगा आपको बृहस्पतिवार से और उस रोज से जो है फिर कंटिन्यू ये टीसीरी चलते रहेगा। ओके धन्यवाद, बस बाय बाय।